देखे अभी। तो हमने थायराइड को कट किया बेटा, थायराइड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है जिनको थायराइड फॉलिकल बोलते हैं। अब ये थायराइड फॉलिकल बने हैं कुछ सेल्स से, किससे बने हैं? सेल्स से। तो यहाँ पे इस तरीके से बेटा इनके अंदर सेल्स होते हैं, देखिए ऐसे यहाँ पे भी हो गए सेल्स इस तरीके से। ये सेल्स जो होते हैं ये बेटा इनको हम नाम देते हैं, दिस सेल्स आर नोन एज, जस्ट अ सेकेंड, ये एक्चुअली क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? इनको फॉलिकुलर सेल्स बोला जाता है, ठीक है। हर एक सेल जो है ये इनको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर, फॉलिकुलर सेल। और हर एक फॉलिकुलर सेल कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है। कैसा होता है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप का होता है फॉलिकुलर सेल। लेकिन बेटा जब वो इनएक्टिव रहता है ना तो क्यूबॉइडल रहता है, ठीक है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, जैसे ही बेटा इसके ऊपर एक हार्मोन आएगा जिसका क्या नाम, पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आता है थायराइड ग्लैंड में, बताइए? वो है मेरा GHH। TSH कौन सा आता है? SHH। TSH बेटा फुल फॉर्म बोलो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज देखिए बेटा, आपके जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या भैया? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना और उससे T3 T4 बनवाना। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं तो क्यूबॉइडल होते हैं। लेकिन जैसे TSH आता है बेटा, ये अपना शेप चेंज कर देते हैं, क्यूबॉइडल से क्या बन जाते हैं? क्यूबॉइडल से ये बन जाएंगे कॉलमनार शेप के। कैसे? कॉलमनार सेल्स। क्यूबॉइडल से एक्टिवेशन के बाद जो TSH आया बेटा, इधर से देखो TSH आया, यहाँ से लेके आते हैं इसको TSH को, यहाँ जब ये पार्ट लेगा तो क्या बना देगा? कॉलमनार शेप बना देगा, ठीक है। कॉलमनार शेप के सेल्स बना देगा। ये सेल्स का नाम क्या है? फॉलिकुलर सेल्स। क्लियर है? अब इधर एक चीज ध्यान रखना, ये जो बेटा दो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको थायराइड फॉलिकल बोलते हैं, उनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, इधर येलो कलर के बना रहा हूँ, दिख रहा है? हेलो, ये जो सेल्स हैं येलो कलर के जो मैंने बनाए हैं, ये सेल्स का नाम क्या है? ये सेल्स को बेटा हम बोलते हैं सी सेल्स या तो पैरा फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? सी सेल बोलेंगे। सी सेल बोलेंगे इसको, या तो पैरा फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल। कौन से सेल्स बेटा? ये वाले। चलो इतना स्ट्रक्चर समझ में आया। ओके यस सर। अब ये जो अंदर की खाली जगह है, तो कोई है ही नहीं। हाँ, एंटीडोट तो कोई है ही नहीं। है भाई, पढ़ोगे तो पता चलेगा, लाइन में है। ओके, ये जो सेल्स हैं ये ल्यूमेन होता है, ये जो बीच में जगह होती है ना कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन यहीं पे बनता है आपका T3 T4। क्या बनता है यहाँ पे? T3 और T4। देखिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लिख रहा हूँ तो T4 नहीं लिख रहा, अब नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा T4, ठीक है। हाँ ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इतनी चीज क्लियर है? हाँ, थायराइड फॉलिकल हो गया, फॉलिकुलर सेल सर। फॉलिकल ऐसे मतलब हुआ कैसे? मतलब सर यहाँ पे फॉलिकल तो एक और चीज दिया हुआ है, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है ना बेटा अंदर, ये फॉलिकल ही हैं, ये मैंने काट के ये स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किया है इधर, ठीक है, इधर से इधर तक। थायराइड फॉलिकल के अंदर जो सेल्स हैं उनको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं भाई, उसमें कौन अंतर का और क्या अंतर है? सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉलिकल है, उसकी बाउंड्री में जो सेल्स हैं उनको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकल एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से हार्मोन रिलीज हो रहा है। अच्छा,
और दूसरा चीज, दो फॉलिकल के बीच में जो येलो कलर के सेल्स हैं, ये सेल्स रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या रिलीज करते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये जो फेरा फॉलिकुलर सेल है बेटा, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? ये थायरोकैल्सिटोनिन। देखो थायरोकैल्सिटोनिन। और जो ल्यूमेन में फॉलिकल के अंदर जो सेल रिलीज होते हैं, कौन से हॉर्मोन्स हैं? T3 और T4। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ बोलिए। ठीक है, पैराथायरॉइड को था कि डाइजेक्शन था ये? हाँ, पैराथायरॉइड अभी तक आया ही नहीं बेटा। पैराथायरॉइड थायरॉइड के पीछे होता है। अच्छा ठीक है, पैरा फॉलिकुलर बोला हुआ है अभी तक हमने। पैराथायरॉइड पढ़ेंगे थायरोकैल्सिटोनिन के साथ। ठीक है, उल्टा काम करते हैं एक दूसरे मिलके। ओके, अभी जो स्पेशलाइज्ड सेल्स थे बेटा, जिनको हम पैरा फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, इनको हम सी सेल भी बोलते हैं। सी का मतलब होता है चीफ सेल। ओके, दो फॉलिकल्स के बीच में होते हैं, जो कि सी सेल्स करते हैं क्या बेटा? सी सेल्स रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्लियर है? यस सर। थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या होता है बेटा? ब्लड में ये कैल्शियम का लेवल कम करता है। किसमें कैल्शियम का लेवल करता है ये कम? ब्लड से। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है, तो कैल्शियम कहाँ ले जाता है बेटा? फाइनली कैल्शियम ले जाता है ये आपके बोन्स में। कहाँ ले जाता है? अरे सर, थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? मेरा ये होता है, मेरा क्या उसको बोलते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर की सेल से, राइट? पैरा फॉलिकुलर सी सेल्स, जो कि दो फॉलिकल्स के बीच में। भाई साहब देखो, येलो कलर के बनाया है इधर। यस सर, यस। इतना फॉलिकुलर मत लिख देना। okay. वो तो T3 T4 बनाता है फॉलिकुलर। पैरा फॉलिकुलर, फॉलिकल्स के बाहर। ओके, यस सर। ओके, देखिए दूसरी चीज, थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या याद रखना है आपको, बोलिए सर। ये एक्चुअली ब्लड से के बोन्स के पास कैल्शियम ले जाता है। कितना बढ़िया काम करता है कि नहीं? तो ये मिनरलाइजेशन करता है। क्या करता है थायरोकैल्सिटोनिन? मिनरलाइजेशन। ठीक है, शांति रुको। अब इसी का एक उल्टा बेटा, जब थायराइड को हम उल्टा घुमा देते हैं ना, जैसे थायराइड को मैंने उल्टा घुमा दिया, ठीक है, जब मैं थायराइड को उल्टा घुमाता हूँ तो ये थायराइड के ऊपर ये चार ग्लैंड दिखते हैं हमको। चारों को क्या बोलते हैं हम? पैरा थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा थायराइड। देखो अब ध्यान से, फर्क मैं ये बता देता हूँ दोनों में। पैरा थायराइड ग्लैंड बेटा क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन का उल्टा काम करता है। उल्टा काम क्या करेगा बोलो? बोन में से कैल्शियम ले आएगा, कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल देता है। किस में डाल देता है? ब्लड में। ये दोनों एक दूसरे को काउंटर एक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। समझे? एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टा। अच्छा, दूसरी चीज याद रखो बेटा, जब ये दोनों ब्लड के रिलेशन में काम करते हैं, एक ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, दूसरा ब्लड में कम करता है, तो जो ब्लड में कम करता है उसका नाम क्या है? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। तो कौन सा है इसमें से हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बताओ? तो कम करता है, तो बेसिकली ये जो पैराथायरॉइड वाला वो है। जो ब्लड में थायरॉइड कैल्शियम कम करता है वो कौन सा हार्मोन है? हाइपोकैल्सिटोनिन। हाँ, तो हाइपोकैल्सिमिक कौन सा हार्मोन है? हाइपोकैल्सिमिक जो ब्लड में बढ़ाता है, जो ब्लड में कम करेगा उसको हाइपोकैल्सिमिक बोलेंगे, जो ब्लड में बढ़ाएगा उसको हाइपरकैल्सिमिया बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हाइपोकैल्सिमिक दोनों में से कौन सा है बताओ? ब्लड में बढ़ाएगा, इससे हो जाएगा थायरोकैल्सिमिक। नहीं नहीं, ये पैराथायरॉइड वाला गलत। ब्लड में जो कम कर रहा है उसको हाइपो बोलेंगे ना भाई, कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाइपो। हाइपो माने कम होता है। ठीक है, यही तो कम कर रहा है ब्लड में। देखो, जब ब्लड से निकाल के बेटा बोन में डालेगा तो ब्लड में कम नहीं हो जाएगा और बोन में बढ़ नहीं जाएगा, बोलो? बिल्कुल। तो इसको क्या बोला? हाइपोकैल्सिमिक, कैल्सिमिया, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोलते हैं इसको। हाइपो मतलब बढ़ाना भाई, तुम यार कहाँ यार, हाइपो मतलब कम करना होता है, हाइपर मतलब बढ़ाना होता है।
ठीक है। अच्छा, ऑस्मोसिस नहीं पढ़े हो क्या? हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक हाँ पढ़ा था सर, वो ठीक है। चलो अब ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है बेटा, लेकिन जो दूसरा हार्मोन है पैराथायरॉइड, जो क्या कर रहा है पैराथायरॉइड, क्या कर रहा है बोलो? पैराथायरॉइड सर हम लोग का कैल्शियम वापस मतलब बोन से ले ले रहे हैं और ब्लड में डाल दे रहे हैं, तो वो हाइपरटोनिक हो। बहुत अच्छे, तो हाइपर कैल्सिमिक बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। और कर क्या रहा है बेटा? जैसे ये मिनरलाइजेशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है बोलो? जैसे सर ये मिनरलाइज कर रहा है तो वो थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? बोन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, बोन में कैल्शियम डाल के तो मजबूत कर रहा है बोन को। लेकिन जो बोन को खराब कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? मिनरलाइजेशन कर रहा है ये थायरोकैल्सिटोनिन, लेकिन पैराथायरॉइड क्या कर रहा है? डी मिनरलाइजेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ओके अब चलो आ जाओ कैसे? हाँ आओ, चलो चलो, तो फिर तुम डिफरेंस बता दोनों के बीच में।